बात कर रहे हैं गोल्डेम इंटरनेशनल की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 3% के ऊपर की गिरावट के साथ इस वक्त स्टॉक जो है 357.65 पैसे पर ट्रेड करते नज़र आ रहा है। हमने 400 तक के टारगेट डिस्कस किए थे, स्टॉक ने 400 तक के टारगेट दिखाया। हमने कहा था कि 400 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा हमने डिस्कस किए थे, और उसी लेवल से स्टॉक ने एग्जिट गिरावट दिखाई है। गिरावट आई, छोटा मोटा जंप, अगेन गिरावट और लो ब्रेक डाउन। तो यहाँ से अब और गिरावट स्टॉक हमको दिखाता नज़र आ सकता है। अब अगर और गिरावट आती है स्टॉक में, ये गिरावट कंटिन्यू होती है, तो देख सकते हैं कहाँ रिजेक्शन फेस किया था स्टॉक ने। 350 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और मेजर सपोर्ट रहेगा 340 का लेवल, इसका तगड़ा सपोर्ट बनेगा। फिर 340 के आसपास से अगेन खेल पलटते नज़र आ सकता है। लेकिन अब यहाँ से अगर जंप आता है, जहाँ ट्रेड कर रहा है वहाँ से जंप आता है, तो एटलीस्ट इस हाई को, जहाँ से रिजेक्शन के बाद बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लगातार गिरावट दिखा रहा है। देख सकते हैं हम, बड़ा रेड कैंडल भी हमको देखने के लिए मिल रहा है, नज़र आ रहा है यहाँ पर 374 का लेवल। इस लेवल को ब्रेकआउट करके, बाउंस बैक करके, एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग भी मिल जाती है, तो गोल्डन में यहाँ से अगेन रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। फिर इस हाई का भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। तो अब अगर यहाँ से जंप आता है तो इमीडिएट टारगेट 370, नेक्स्ट टारगेट 374 का लेवल। इस लेवल के ब्रेकआउट का इंतज़ार रहेगा। अगर इस लेवल को बाउंस बैक करके ब्रेकआउट कर गया तो फिर अगेन बड़ी तेज़ी 380 और फिर 400 तक के जंप गोल्डेम हमको दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।